इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वृंदावन में मंदिर के बाहर की तस्वीर आपने देखी। अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां अनलॉक का आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इजाजत सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने को मिली है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य रूप से दिख रहा है। क्या अनलॉक की शुरुआत में ही लापरवाह हो गई है दिल्ली? देखिए सहयोगी सैयद नजीर की रिपोर्ट। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। दिल्ली में कोरोना के केसेस कम जरूर हुए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पहले फेज में अनलॉक के तहत सिर्फ उद्योग और निर्माण कार्य से जुड़े गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की ट्रैफिक देखने को मिल रही थी, लॉकडाउन था उस वक्त ट्रैफिक ना के बराबर थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है। हालांकि अभी बाजार, मॉल, मेट्रो नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले फेज में जहां उद्योग और निर्माण कार्य से जुड़े गतिविधियों को इजाज़त दी गई है, उसके बाद सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है। पिछली बार हमने देखा था जब पहला कोरोना का फेज था और जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने लगे थे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सड़कों पर भीड़ बढ़ गई थी, लोग लापरवाही बरतने लगे थे, लेकिन इस बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये देखा जा रहा है कि मंडियों में और सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घरों से भारी तादाद में निकल रहे हैं। जिस तरह से सड़कों पर भीड़ बढ़ी है, कोरोना बढ़ सकती है ऐसी आशंका है। हालांकि केसेस ज़रूर कम हुए हैं, लोगों को बहुत एहतियात रखनी है। लोग अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।